हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मैं शायद थोड़ा लेट हुई इस वीडियो को बनाने के लिए, बट मैं कहीं गया हुआ था तो लैपटॉप घर पे था तो मैं वो वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो कोई नहीं, कौन सा मेरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा उससे। ठीक है, तो गाइस मेरा, जैसे आप सबको पता होगा कि मेरा एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस का जो था 4 मार्च को था, फर्स्ट शिफ्ट, एक ही शिफ्ट था शायद 4 मार्च को, तो मेरा एग्जाम 4 मार्च को था। ठीक है, तो अब बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने पेपर दिया और मुझे पेपर का लेवल या किस तरीके से मुझे लगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं जीए की। ठीक है, तो जीए वही है जितना आपने जैसा पढ़ा है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। ठीक है, मैंने 22 इसमें अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब एक्यूरेसी का मैं इसमें कुछ खास कह नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं बोल सकता कि कुछ कुछ क्वेश्चन तो मुझे आते थे, ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब मैंने कहीं ना कहीं मुझे पढ़े लगा था कि पढ़ा है। ठीक है, 22 मैंने क्वेश्चन किए हैं, बाकी स्कोर क्या रहता है इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो जीए की इतना है कि मैं 22 क्वेश्चन करके आया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो खुलता है वो है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में मुझे कुछ कुछ चीज़ें ड्यूएबल लगी और बट बहुत कंफ्यूजिंग लगी। मैं इसको बोल सकता हूँ कि बहुत कंफ्यूज था इंग्लिश में, बहुत कंफ्यूजिंग था। ठीक है, क्योंकि ना जैसे देखो, जो कॉम्प्रिहेंशन वॉज रियली टफ, कॉम्प्रिहेंशन जो बहुत टफ था। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ना बहुत लेंदी नहीं था, बट ऑब्वियसली स्टोरी बेस्ड या ऐसा कुछ इजी इजी नहीं था। कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही मुझे थोड़ा टफ लगे। अगर आंसर्स आप ढूंढ भी रहे हो ना, तो आपको आंसर्स खुद बनाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है कि आपको मिल गया तो आपको, तो कॉम्प्रिहेंशन मुझे कहीं ना कहीं टफ लगा। ठीक है, अब बात आती है जैसे कि एक था वो क्या नाम है उसका, फिल इन द ब्लैंक्स था, फिलर्स। फिलर्स में ना डबल डबल वर्ड दिए थे, मतलब तीन तीन ऑप्शन दिए थे। जैसे फिलर्स था, तो फिलर्स डबल फिलर्स थे। ठीक है, डबल फिलर्स थे, तो आपके पास दो फिलिंडा ब्लैंक्स हैं और उसमें तीन वर्ड दिए हैं। जैसे ऑप्शन वन में दो वर्ड दिए हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन टू में ए बी दिया हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन थ्री में जो था सी डी दिया हुआ है। आप ये दोनों आपको फिल करके देखना है कि आपका वन फिल हो रहा है, टू फिल हो रहा है, थ्री फिल हो रहा है। जब इतने सारे फिलर्स दे जाए ना, तो चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है, कन्फ्यूजिंग हो जाती है। अगर एक एक वर्ड होता ना इसमें, कहीं ना कहीं सिर्फ एक एक वर्ड होता, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा ईजी हो जाता। और ये डबल डबल वर्ड थे, और वर्ड भी ऐसे नहीं थे, बहुत क्लोज क्लोज वर्ड थे। ठीक है, कोई कोई में तो बहुत क्लोज थे, वो कन्फ्यूज हो रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा था। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं फिलर्स थोड़े कन्फ्यूजिंग लगे, कॉम्प्रिहेंशन मुझे टफ लगा, और बाकी चीज़ें भी थोड़ी सी मॉडरेट थी। तो इंग्लिश में मैं यही बोलूँगा कि जो पेपर था हमारा वो मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, इंग्लिश में मैं यही बोलूँगा कि जो हमारा पेपर था वो मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि जो टफ था वो तो टफ था, और जो मॉडरेट था वो बहुत कंफ्यूजिंग था। ठीक है, तो ये मेरा इंग्लिश का रहता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में टफ लगी। कॉम्प्रिहेंशन मैंने बहुत सारे शिफ्ट में देखा था कि एक कॉम्प्रिहेंशन ड्यूएबल था, और हमारे शिफ्ट में दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन थोड़े से वो थे, मतलब टफ थे। और हमारे उसमें पैरा जंबल नहीं था, मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट नहीं था हमारे पैरा जंबल नहीं था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मुझे मॉडरेट टफ लगी, और मैंने जो इंग्लिश में अटेम्प्ट करे हैं वो करे हैं 32। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं उसकी, क्या बात करते हैं, क्वांट की। ठीक है, अब मैं आपको क्वांट की बताता हूँ। ठीक है, क्वांट में जो क्वेश्चंस आए थे, जैसे क्वांट की बात करते हैं। ठीक है, क्वांट में जो क्वेश्चंस आए थे, पहले थे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब एग्जैक्टली तो याद नहीं, तीन चार आए होंगे, चार से पांच आए होंगे। ठीक है, मुझे याद नहीं है, शायद तीन या चार या चार से पांच ऐसे कुछ आया था। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, शायद दो से तीन ही आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितना मुझे याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो से तीन ही आया था। ठीक है, और डी आई आई थी। ठीक है, डी आई आई थी, छोटी छोटी डी आई आई थी, दो दो तीन तीन मार्क की। ठीक है, और एक एक डी आई थी जिसमें एक डी आई थी
जिसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ था, टोटल टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ था, ठीक है, जैसे कि ए बी सी दिया हुआ था, और एक इसमें ये दिया था लेस लेस देन 40, लेस देन 30 या मोर देन 30 का ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है, ऐसा करके कुछ दिया हुआ था। तो इसमें जिसमें इसमें वैल्यू मिसिंग है, तो इसमें कुछ वैल्यू दे दिया 1800, ठीक है, तो या इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ था 2000, और इसमें शायद मिसिंग था कुछ। हाँ तो टोटल ऐसा था, टोटल ऐसे था, तो इसमें मोर देन 30 कुछ कुछ वैल्यू दिए हुए थे, कुछ कुछ वैल्यू मिसिंग था, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ बाकी नीचे कुछ दिया हुआ था कि ये लेस देन 30 इतना होता है ए में, लेस देन बी में लेस देन 40 इतना, 30 इतना होता है, ऐसे करके कहीं ना कहीं आपको मिसिंग टर्म निकाल के इसके 2 से 3 क्वेश्चंस थे जो कि इजीली बन गए थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है, एक था याद नहीं आ रहा है मुझे, कैसलेट भी था एक, मैंने बनाया था उसको भी, याद नहीं आ रहा किस तरीके से था। और एक तो बहुत बड़ी डी आई थी जो शायद 5 मार्क की थी, 5 या 6 मार्क की थी, पाई चार्ट वाली थी, डबल पाई चार्ट दी हुई थी, ठीक है, डबल पाई चार्ट दी हुई थी ऐसे करके, और उसमें कुछ मतलब परसेंटेज में नहीं दिया था, ए दिया था बी दिया था ऐसे करके, डबल पाई चार्ट वाली थी। और ये मेरे को बहुत ही लेंदी लगी और समझ में नहीं आया मैंने, तो ये मैंने स्किप कराया, ठीक है, डबल पाई चार्ट मैंने स्किप किया। ये शायद इसमें 5 से 6 क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था जो बड़ा था क्वेश्चन, वो था ये, ठीक है, ये मैंने स्किप किया हुआ है। फिर एक और डीआई थी जिसमें ऐसे डीआई दी हुई थी, और इसमें परसेंटेज ऑफ पीपल दिया हुआ था ऐसे करके ना, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पीपल, और ये दिया था पास परसेंटेज, फिर ये परसेंटेज ऑफ पीपल, ये पास परसेंटेज, ये परसेंटेज ऑफ पीपल, ये पास परसेंटेज, और जो टोटल नंबर, जो पास पास जो टोटल नंबर ऑफ पासिंग लोग थे वो 163 थे, ऐसे दिया होता। और इसमें दिक्कत क्या हुई, मैंने ये मुझे सिंपल लगी थी, मैंने इसका क्वेश्चन बनाया और मुझे कहीं ना कहीं इसका आंसर मिल गया था, ठीक है, मैंने सारे इसके आंसर ढूंढ लिए थे, सारे इसके आंसर मैंने ढूंढ लिए थे, सारे ढूंढ लिए थे। बाद में क्या हुआ, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो उसमें ना जैसे ना उसमें क्या हुआ कि उसमें ये बोला गया था कि बी जो है, उसमें मुझे पूछा गया था कि जब मुझे वैल्यू मिली ना इसकी, तो जैसे मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है वैल्यू कितनी मिली, बट मुझे कहीं ना कहीं उसने बोला जो बी का, जो जो लोग बी में फेल हुए हैं वो कितने परसेंट लेस है ए में फेल होने में से, ए में ए के फेल वाले लोगों से, बट उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, बट मेरे को आंसर में बी में तो था वो ज्यादा मिल रहा था, इसमें लिखा था कि बी कितना लेस है, बट मुझे आंसर में बी ज्यादा मिल रहा था, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं गलत है, तो मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पे। फिर मैं दोबारा आके मैंने ट्राई किया, मेरे को तो इजी मिला था, मुझे इसका ना, इसका जो एक्स का वैल्यू मतलब जो 163, मुझे इसका एक्स का वैल्यू कहीं ना कहीं मतलब जो मैंने एक्स करके दिया था, मान लेते हैं हम इसको, जो हमने टोटल नंबर ऑफ लोग हमने जो माना वो हमने 100x माना था, मैं एक्स का वैल्यू कहीं ना कहीं मुझे 2 मिला था। अब गाइस जिन्हें भी ये पजल करा हुआ है, बताना आपको ये पजल आपने करा था और एग्जाम में आपको क्या नंबर आया, आपका बना ये पजल या नहीं बना, क्योंकि डीआई सॉरी, तो मेरा ये डीआई कहीं ना कहीं नहीं बना, इसकी वजह से मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया अपना, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। और फिर मेरे को मैंने अर्थमेटिक करे मैंने क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्वेश्चन वाले भी कुछ कुछ करे, और बाकी मैंने अर्थमेटिक करे क्वेश्चन करे बहुत सारे, ठीक है, और जो टोटल मैंने अटेम्प्ट किए थे वो कहीं ना इसमें वो था 21, ठीक है, बट मैं इसमें इजिली +25 क्वेश्चन कर लेता, ठीक है। तो अगर मतलब मैं ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती तो मैं कहीं ना कहीं +25 कर लेता, तो कहीं ना कहीं मेरे इसमें 4 to 5 मार्क्स कम बने, ठीक है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें मूड खराब है कि मेरा क्वांट में इस तरीके से मेरे क्वेश्चंस कम बने, ठीक है। अब बात आती है, अब बात जो आती है वो आती है रीजनिंग की, ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है रीजनिंग की, इसको रब कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो था रीजनिंग, ठीक
ठीक है। रीजनिंग मैंने जो रीजनिंग मुझे ना टफ नहीं बोलूंगा, बट मुझे इसको ना रीजनिंग मुझे लेंदी लगी। अब आपको रीजन बताऊंगा मुझे लेंदी ये क्यों लगी, क्योंकि रीजनिंग में जो पजल्स थे ना, जो पजल्स थे, जो रीजनिंग में जो पजल्स थे वो हर पजल जो था वो 2 से 3 मार्क का था बस, और बहुत सारे पजल थे, ठीक है, बहुत सारे पजल थे, तो वो 2 से 3 मार्क के ही पजल थे। मैक्सिमम पजल्स जो थे वो 2 से 3 मार्क के ही पजल्स थे। उसके बाद एक, ठीक है, मुझे याद है कि मैंने एक पजल वो बनाया था जिसमें एक पजल मैंने वो बनाया था जिसमें 8 लोग बैठे थे और मैक्सिमम एज दिया हुआ था, मिनिमम एज दिया हुआ था, ऐसा करके दिया था, वो मैंने बनाया, ठीक है। और मैंने ये वाला पजल बनाया, उसके बाद फिर मैंने वो वाला पजल बनाया था जिसमें स्क्वायर बेस, ठीक है, एक तो मैंने ये वाला पजल बनाया था, ठीक है, जिसमें 8 लोग बैठे हैं, एक ऐसा ऐसा करके 8 लोग बैठे हैं और मैक्सिमम एज दिया हुआ था कुछ, और मिनिमम एज दिया हुआ था उसका, ठीक है। और वो लोग कुछ कलर पसंद करते थे, कोई पिंक कोई येल्लो, ठीक है, पिंक येल्लो ऐसे करके कुछ कलर कलर पसंद करते थे वो लोग, ठीक है। और दूसरा जो पजल था उस वो था स्क्वायर, अबे यार इतना बड़ा स्क्वायर, दूसरा जो पजल मैंने बनाया था वो था स्क्वायर, ठीक है, उसमें 8 लोग बैठे हैं जिसमें 6 लोग, 8 लोग, 8 प्लेसेस हैं जिसमें 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, 6 लोग बैठे हैं और एक जो कॉर्नर था वो वेकेंट था और एक जो मिडल था वो वेकेंट था, इस तरीके से बाकी 6 लोग बैठे हुए हैं इस तरीके से, और पजल दिया था। और वो भी कुछ पसंद करते थे, वो भी कुछ पसंद करते थे, याद नहीं आ रहा क्या पसंद करते थे, वो कुछ पसंद करते थे, ठीक है। तो एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, और एक आध पजल और बनाई थी मैंने। और हाँ, मैंने इनपुट आउटपुट बनाया था वो स्टेप 1 स्टेप 2 वाला, ठीक है, वो बहुत ईजी था, सबसे ईजी था वो, एंड वो सबसे ये सबसे ईजी था, ठीक है, और शायद 3 या 4 मार्क का था ये ईजी था। और फिर मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस बनाया जिसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बनाया जिसमें थोड़ा सा टाइम लगा, ये भी शायद 2 से 3 मार्क का था, 4 मार्क का था, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। बाकी मैंने कुछ मिसलेनियस करे हैं, ठीक है, पजल मैंने एक दो और करे हैं, दो दो मार्क वाले, एक एक मार्क वाले जो बहुत ईजी थे, जो एक 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 मार्क वाले मुझे मैंने किए थे, वो डेजिग्नेशन वाले किए थे शायद, 1 मार्क वाला था शायद वो, दो अभी इतना याद नहीं है मुझे, ठीक है, इस तरीके से मैंने करे हैं। और मैंने मैंने क्रिटिकल रीजनिंग एक भी नहीं करा, एक मैंने क्रिटिकल रीजनिंग देखी थी उसमें कॉम्प्रिहेंशन टाइप थी बड़ी, मैंने नहीं करा, ठीक है। तो रीजनिंग मैंने जो अटेम्प्ट करे हैं वो मैंने करे हैं 24, ठीक है, और मैं ठीक है, रीजनिंग मैंने कोई मतलब इतना नहीं, मैंने मतलब इतना कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, ना ही मैं इस कोई पजल में, एक पजल में, इस पजल में शायद थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था, ठीक है, बट मेरा बन गया था। और एक और था वो कोडिंग डिकोडिंग वाला, मैच द कॉलम टाइप वाला था, कि ऐसा 3 मैच द कॉलम था, कुछ इसमें कुछ दिया हुआ था वर्ड्स, लंबर सेंटेंस दिया था, इसको डिकोड करना था, उसके बाद इसको डिकोड करना था, मैंने कोशिश करी थी, कुछ कुछ पोर्शन मैं डिकोड कर चुका था बट बाकी नहीं हो पाया, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने 24 इसमें करे हैं और एक्यूरेसी के साथ ही करी है, ठीक है। तो बाकी मुझे रीजनिंग भी थोड़ा मतलब मैंने सही तरीके से रीजनिंग करा है, हाँ थोड़ा सा अगर स्पीड थोड़ा ज़्यादा करता तो दो एक दो क्वेश्चन और होते हैं, बट ठीक है, मेंस एग्जाम में प्रेशर भी रहता है उसमें, ठीक है। और तो बस मैंने इसी तरीके से मैंने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। और अगर बात करें मैंने टोटल अटेम्प्ट की, ठीक है, तो जैसे GM में मैंने करे हैं, तो GM में मैंने जो करे हैं वो करे हैं 22, ठीक है, इंग्लिश में जो मैंने करे हैं वो करे हैं 32, ठीक है। और जीए का तो एक्यूरेसी का मैं कुछ नहीं कह सकता, इंग्लिश में मैंने कोशिश करी है अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने की, ठीक है, कोशिश बहुत करी है कि मैं गलत ना करूँ, कोशिश बहुत, दो दो बार पढ़ रहा हूँ एक क्वेश्चन को, दो दो बार 3 दिन बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और क्वांट में जो मैंने करे हैं वो करे हैं 21, और रीजनिंग में जो मैंने करे हैं वो करे हैं 24, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 6 7 8 9, 99, ठीक है। तो मैंने 99 करे हैं टोटल अटेम्प्ट, ठीक है, जिसमें शायद रीजनिंग 1.2 मार्क्स का है, एक एक क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का रहता है शायद रीजनिंग का, ठीक है, बट वो सब छोड़ते हैं। बाकी मैंने क्वेश्चंस में जो करे हैं 99 अटेम्प्ट करे हैं, और जिसमें से मैं अनसेटिस्फाइड थोड़ा सा क्वांट में हूँ, क्योंकि क्वांट में कहीं ना कहीं मैं +4 to 5 क्वेश्चन और कर लेता, ठीक है, एक एक मेंस एग्जाम में एक एक मार्क की लड़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं 4 5 क्वेश्चन और कर लेता, ठीक है, तो मैं इससे थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हूँ क्वांट सेक्शन से, बाकी तो मैंने मेरे हिसाब से करे हैं। तो ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है, बाकी जो भी 4th मार्च में था, आप प्लीज मेरा क्वांट का बताना कि आपको उस वाले DI का x इज इक्वल टू,
टू मिला था, नहीं मिला था मुझे तो टू मिल रहा था, ठीक है उसका वैल्यू मुझे टू मिल रहा था, उसके बाद फिर पुट किया था, बट मेरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मेरा बी में उसमें बोला था कि बी कितना लेस है, बोला था ए से, ठीक है बी का फेलिंग फेलिंग था या पासिंग था कुछ ऐसा था, कितना लेस है, तो मैंने बी मेरा ज़्यादा मिल रहा था इसमें, मेरे को असल में बी मेरा जो वैल्यू था वो ज़्यादा आ रहा था, ठीक है तो मेरे को समझ में ये नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना अगर कोई पता हो तो, ठीक है बाकी जो भी अभी 2024 के एग्जाम्स क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी सेशन शुरू कर रहा हूँ आज से, ठीक है अब स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से आपको प्री की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, प्री में पढ़ाने वाला नहीं हूँ, प्री में स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मेंस कहीं ना कहीं डीप तक आपको बता के जाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको करना किस तरीके से, और किस तरीके किस कौन से क्वेश्चन आपको करना है तैयारी, कौन से क्वेश्चन की आपको तैयारी नहीं करनी, ठीक है तो वो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप लोग को मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, ठीक है बाकी मेरा एनालिसिस यही रहा है, बाकी आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो सेक्शनल वाइज आप बता सकते हो, जरूर बताना कमेंट में, या आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे उसमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है और अपना कॉमेंट कर सकते हैं, बाकी यही था मेरा एनालिसिस, बाकी अगर आपको कुछ पूछना है बताना है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर रिव्यू, ठीक है बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।